जय हिंद किड्स, दिस इज योर इंग्लिश क्लास एंड किड्स इन टुडेज क्लास टुडे वी आर गोइंग टू राइट अ स्मॉल लेटर। आज की क्लास में हम एक स्मॉल लेटर लिखना सीखेंगे। लेटर इज जी। सो नाउ टेक आउट योर नोटबुक, योर पेंसिल एंड योर इरेजर एंड ओपन योर इंग्लिश नोटबुक। किड्स, दिस इज स्मॉल जी। G for gun. This is baby G. ये कौन सा लेटर है बेटा? ये है small G, baby G. और G की साउंड क्या है? G. 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 Gun. Yes. आप सबके पास टॉय गन है ना? Now we will write small G. अब हम small G लिखना सीखेंगे. So now take your pencil. लुक हियर किड्स, मैम ने क्या किया है? मैम ने आपकी नोटबुक में डॉट पुट किए, आपके जो मिडिल लाइन है वहां पर डॉट पुट किए। तो हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले मिडिल लाइन से स्टार्ट करना है और एक कर्व ड्रॉ करना है सी की तरह से, या ये कहिए कि स्मॉल सी बनाना है। ओके, सबसे पहले हमें एक लेटर सी की तरह से बनाना है, लेटर सी बनाना है। नाउ अगेन वी विल गो टू द मिडिल लाइन और फिर से हम मिडिल लाइन में जाएंगे। Now draw one standing line down with this small curve and touch the bottom line. हम क्या करेंगे? हम मिडिल लाइन से जाएंगे और स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और बॉटम लाइन से टच करते हुए हल्का सा कर्व बनाएंगे। दिस इज स्मॉल जी। राइट अगेन, स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल लाइन एंड ड्रॉ ए स्मॉल सी, ड्रॉ ए कर्व। यस बच्चा, मैम ने बोला है कि हमें मिडिल लाइन से स्टार्ट करना है और क्या बनाना है? कर्व बनाना है। कर्व जैसे हमने स्मॉल सी लिखना सीखा था। ओके, फिर से हमें क्या करना है? फिर हमें अगेन वी विल गो टू द मिडिल लाइन और फिर हम मिडिल लाइन में जाएंगे। नाउ वी विल ड्रॉ वन स्टैंडिंग लाइन डाउन और अब हम एक सीधी रेखा खींचेंगे जो बॉटम लाइन से टच करते हुए और हल्का सा कर्व बनाएंगे। दिस इज स्मॉल जी। Start from the middle and make a curve. And again go to the middle line and draw one standing line. Touch the bottom line and draw a small curve. This is small G. G for gun. Yes. G for gun. This is a toy gun. ये क्या है? ये एक toy gun है जिसे आप play करते हो। G for grapes. G for girl. G for क्या होता है? girl. yes. और G for क्या होता है? green. yes. G for green. green क्या है? green एक color का name है। G for grass. yes. और grass का color कैसा है? green. so kids, now you have to write this small letter G and your writing work should be very neat and clean. And we will meet after some time. Do this work. Bye bye my lovely kids.